नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसकी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने देश में दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब फाइनल मंजूरी के लिए सबकी निगाहें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI पर टिकी हैं। DCGI ने आज यानी रविवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बता दें कि अब तक देश में दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। दरअसल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI के पास भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि DCGI भी इन दो वैक्सीनों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे देगा। बता दें कि 1 जनवरी को देश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी रजिस्ट्रिक यूज की मंजूरी दी थी। इसके अगले दिन यानी 2 जनवरी को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। अब DCGI की मंजूरी के बाद देश को कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन मिल जाएंगी। गौरतलब है कि DCGI जब किसी दवा या ड्रग को अनुमति देता है तभी कंपनी को इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिलती है। फिलहाल DCGI से इन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी जल्द ही कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।